अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक्वेरियस यानी बुद्धदल्प से वाबस्ता ख्वातीनों हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट ज़ोहल इस महीने आपके अपने घर में रुज्जत से निकलकर मुस्बत हालत में कैसे असरात मुरतब करेगा। आपको अपनी ज़ाती खुसूसियात इस महीने में कैसी मुस्बत तब्दीलियों के दरपे महसूस हो सकती हैं। आपका फाइनेंस का शोबा यानी रुपये पैसे के मामलात नवंबर में कैसे चलेंगे। औलाद के मामलात और सफर के मामलात के अलावा रूहानी और रूमानवी हवालों से नवंबर आपके लिए कैसा महीना साबित होगा। अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए अगर आपका ज़ोडियक साइन एक्वेरियस यानी बुर्ज तल्ब है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ तल्ब ख़वातीन हज़रात, नवंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें जज्बात आप पर गालिब रहेंगे। जज्बाती तौर पर आप एक प्रेशर कुकर की तरह फटने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपको दबाव को संभालने में दुश्वारी पेश आ सकती है, लेकिन आपका ज़मीर आपको चीज़ों को आर्डर में रखने की तरफ माइल करेगा। आपकी बेसाख्ती बढ़ सकती है, आप ख्यालात में खोकर मौजूदा वक्त से और जगह से कहीं आगे पीछे हो सकते हैं। ये गैर जज्बाती रवैये और हिजान खेजियाँ आपसे तकाजा करेंगी कि जज्बाती तौर पर मोहतात रहें। इस महीने आपका रवैया बदल सकता है और कोई आपके लिए कोशिश करने में आपको बुलंद पाया हिम्मत अता करेगा। जमीन की खरीदो फरोख्त में आपको कसीर माली मुनाफा हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ये वक्त आपकी खुशबख्ती का वक्त होगा। उम्मीद की जाती है कि मामलात बेहतरी की तरफ चलेंगे, कामों में मौजूद रुकावटें खत्म होंगी, दरीना मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। पब्लिक ऑफिस होल्डर और सरकारी मुलाजमीन के लिए माहौल इंतहाई साजगार होगा। बस भी सफर या बैरून मुल्क सफर के उम्मीदवारों को कामयाबी नसीब होगी। अलबत्ता जोहल और जोहरा के मामलात प्यार मोहब्बत के और आपके रिलेशंस के हवाले से मनफी असरात की जद में होंगे। गलतफहमियां और शकूक व शुबहात जन्म ले सकते हैं। सूरज आपके जायचे के दसवें घर में 22 नवंबर तक कारोबारी मामलात में बेहतरी के असरात देगा। दौलत के हवाले से ये महीना एक बेहतरीन महीना साबित होगा। 22 नवंबर के बाद सूरज फरहा के आलम में दाखिल होगा। फरहा एक ऐसा मकाम है जहाँ सूरज अपने चमकदार असरात बहुत बेहतरीन अंदाज में आपके जायचे के 11वें घर में देगा। ये वक्त किसी नए कारोबार के आगाज के लिए बेहतरीन वक्त होगा, क्योंकि मुश्तरी 2 दिन बाद यानी 24 नवंबर को आपके जायचे के 3रे घर में सीधी चाल में वापस आ रहा है। मुश्तरी आपकी मकबूलियत में इजाफे का बायस होगा, आपका फेम बढ़ेगा, करीबी सफर के मौके जाहिर होंगे। इम्तिहानात में नतायज का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरियाँ होंगी। ये वक्त आपकी उम्मीदों में कामयाबी का वक्त साबित होगा। किसी पार्टनरशिप से फवायद मिलने के असबाब पैदा होंगे। बच्चों के हवाले से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुश आइंद वक्त साबित होगा। अलबत्ता अगर आप अपने जज्बाती रुझानात की जद में रहेंगे तो आप गुस्से और थकावट की सूरत हाल का सामना हो सकता है। 5वें घर में मरीज की रुजत बच्चों के साथ किसी मामले में गलतफहमी की सूरत हाल पैदा कर सकती है। मुख्तसर ये कि आपको नवंबर के महीने में अपने जज्बात एहसास और मामलात में बदगुमानियों से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी बदगुमानियाँ आपको दूसरों के साथ ज्यादा घुलने मिलने में मुश्किल दे सकती हैं। शादी करने की जल्दी में मुब्तला ख्वातीनों हजरात के लिए ये वक्त कुछ ज्यादा मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि जोरा की नहुसत और मरीज की रुजत आपके मामलात में खराबी पैदा कर सकती है। आप में उस्तार की कमी होगी जो आपको खुद से हटकर कुछ सोचने पर मजबूर करे। लिहाजा इस मुद्दत में की गई शादियां मुमकिन है बाएतमाद साबित न हो। शादीशुदा अफराद को शरीक हयात से कम तवज्जो की शिकायत रह सकती है। मरकरी 17 नवंबर तक मुस्बत होगा। आपके जायचे के 10वें घर में मरकरी खरीदो फरोख्त में हैरानकुन तरीके से मुनाफा दे सकता है। आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज इस महीने उम्दा होगा। अपने कारोबार और करियर के मामलों में आपके लिए अच्छे फवायद होंगे। तालीमी इदारों से वाबस्ता दल ख्वातीन हजरात, अदालती कामों में मुलव्वस अफराद और ऐसे अफराद जो प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, कोई खतीब, मुअल्लिम, उस्ताद, टीचर, वकील या सेल्समैन वगैरह, इन तमाम शोबों से वाबस्ता अफराद लोगों को मुतमैन कर पाएंगे। प्रोफेशनल डीलिंग के हिसाब से ये वक्त बेहतरीन वक्त साबित होगा। 16 नवंबर को जोरा आपके जायचे के 10वें घर में दाखिल होगा, जो शादी के जरिए मालो दौलत के हुसूल में नाकामी दे सकता है। आपका रुपया पैसा जाया हो सकता है और आप में रुपया पैसा जाया करने के रुझानात होंगे। जोरा आपको जज्बाती तौर पर उम्मीदों में नाकामी दे सकता है। बजरिया वसीयत कुछ प्रॉपर्टी मिलने में रुकावटें हो सकती हैं। इमिग्रेशन के कामों के हवाले से 22 नवंबर के बाद के दिन फवायद से भरपूर होंगे। कागजी कार्रवाईओं में मौजूद रुकावटें खत्म होंगी। रूहानी
दुनियावी मामलात के हवाले से आपके लिए अच्छा वक्त होगा। 8 नवंबर का चांद ग्रहण आपके लिए नवंबर के महीने में एक सख्त दिन साबित होगा, क्योंकि आपके जायचे के चौथे घर में लगने वाला ये ग्रहण वालदैन की सेहत के हवाले से खराबियां दे सकता है, खुसूसन वालदा और अहले खाना की सेहत मुतासर हो सकती है। ननिहाली रिश्तों में खराबियों के साथ साथ मुलाजमत पेशा अफराद के दफ्तरी मामलात भी खराब हो सकते हैं। ज़राअत और ज़मीन के कामों में आपको इंतहाई केयर करनी चाहिए। औजारों के इस्तेमाल और मेटालिक इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल में एहतियात का मुजाहरा करें। खुदा ना खास्ता कोई हादसा या इंसिडेंट पेश आ सकता है। शादी वगैरह के लिए 8 नवंबर का दिन हरगिज़ मुनासिब दिन नहीं होगा। जज्बात पर हुकूमत करने वाला प्लैनेट नाकिस हालत में और चांद ग्रहण ज़्यादा आपको सख्त जज्बाती उतार चढ़ाव में मुब्तला कर सकते हैं। चांद ग्रहण वाले दिन सफर में एहतियात को मलूज़े खातिर रखें। मुअज़्ज़ज़ दल्फ ख़वातीन व हज़रात, नवंबर के महीने में आप दो मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल का शिकार हो सकते हैं। माली आसूदगी और जज्बाती गैर वाबस्तगी आपके लिए गैर मुतमैन नक्शा खींचेगी। अलबत्त आपको अपने कमजोर इरादों के बारे में तशवीश का इजहार करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए हद से ज्यादा आराम इंसान को फराइज की अदायगी में कोताही पर मजबूर कर देता है। आपको चाहिए कि अपने रोजमर्रा के कामों में अपनी रूटीन को बरकरार रखें, अपने लिए और अपने रिलेशंस के लिए आसानियां पैदा करें और हर हाल में अपने लिए कुछ ना कुछ असासाजात जमा रखें, क्योंकि नेमत की नाशुक्री यह है कि उसे फजूल कामों में ज़ाया कर दिया जाए। आपको चाहिए कि खुदा से अच्छे की उम्मीदें रखें, अपने उमूर में उसे सहारा बनाएं और उसे याद करें, क्योंकि जो खुदा को याद करता है खुदा उसे भी याद करता है। और नेमतों पर शुक्रगुजारी नेमतों को बढ़ाने का बायस बनती हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।